बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन आज अपना 51st बर्थडे मना रहे हैं। कॉमेडी एक्शन के साथ मंझा हुआ अभिनय पेश करने वाले अजय देवगन को अपनी जबरदस्त एक्टिंग की गहराई के लिए जाना जाता है। 2 अप्रैल 1969 को जन्मे अजय देवगन ने इंडस्ट्री में एक्शन हीरो के तौर पर खूब नाम कमाया। अजय देवगन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे के साथ रखा था। इस फिल्म के लिए अजय देवगन को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उसके बाद उन्होंने जिगर, दिलवाले, सुहाग, जख्म, सिंघम, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, तानाजी जैसी कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। अजय को ईयर 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए आज अजय देवगन के बर्थडे के मौके पर इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहे हैं। एक्टर अजय देवगन का असली नाम विशाल वीरू देवगन है। उन्होंने अपनी माँ के कहने पर अपना नाम अजय रख लिया था। अजय देवगन को उनके करीबी और घर के लोग राजू के नाम से बुलाते हैं, यानी उनका निकनेम राजू है। खुद अजय ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनने का सपना लेकर आए थे। अपने कॉलेज के दिनों में अजय देवगन अक्सर अपने दोस्तों के साथ दो मोटरसाइकिलों पर एक साथ सवारी करते थे। उनका यही रियल लाइफ सीन फिल्म फूल और कांटे में शूट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवीना टंडन और करिश्मा कपूर को एक साथ अजय देवगन ने डेट किया था। रवीना अजय के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि करिश्मा के साथ उनके लिंकअप की खबरों को रवीना बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड करने तक की कोशिश की थी। अजय को लेकर रवीना और करिश्मा में जबरदस्त लड़ाई भी हुई थी। लेकिन 24 फरवरी 1999 को अजय ने काजोल से शादी कर ली थी और आज अजय और काजोल बॉलीवुड के आइडल कपल्स में से एक है। अजय को फिल्म करण अर्जुन में सलमान खान के रोल के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, फिल्म डर में शाहरुख खान के रोल का ऑफर पहले अजय देवगन को दिया गया था। ये रोल उन्हें आमिर खान के ठुकराने के बाद दिया गया था, लेकिन अजय ने इस रोल के लिए भी मना कर दिया था। अजय का एक सपना है कि वो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के साथ फिल्म करे। उन्होंने दिलीप साहब के साथ असर द इम्पैक्ट नाम की फिल्म की योजना भी बनाई थी, लेकिन किसी कारण से ये फिल्म शुरू नहीं हो सकी और अजय का सपना आज सपना ही रह गया है। कई सुपरहिट फिल्में देने वाले इस सुपरस्टार की कुछ फिल्में ऐसी भी है जो किसी कारणों की वजह से रद्द हो गई थी। महेश भट्ट के डायरेक्शन में अजय देवगन और पूजा भट्ट की फिल्म गिरवी 20% शूटिंग के बाद कुछ कारणों से रद्द कर दी गई थी। अजय देवगन बॉलीवुड के पहले स्टार है जिन्होंने शूटिंग और खुद के पर्सनल काम के लिए 6-सीटर प्राइवेट जहाज का चलन शुरू किया था। अजय देवगन को फिल्म जख्म और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कहते हैं कि अजय देवगन को फिल्मी पार्टियां बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बॉलीवुड की किसी पार्टी में बहुत ही कम नजर आते हैं। तो लोकमत न्यूज की तरफ से अजय देवगन को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आप सब भी अगर अजय देवगन के फैन हैं और उन्हें बर्थडे विश करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन करके उन्हें बर्थडे विशेस जरूर भेजें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।